નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને તેમની સાથે વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે બિગ બોસ વિંદુ ધારાસિંઘ રંધાવા. વિંદુજી, સબસે પહેલા તો સ્વાગત હૈ આપકા ઇસ પ્રોગ્રામ મે. આપ સબકા, સાબ દર્શકો કા સ્વાગત, થેન્ક યુ. દેખતે રહીએ ઇનકા ચેનલ, હમ સબસે બહોત બહોત પ્યાર. વિંદુજી, બિગ બોસ ટર્નિંગ લાઈફ 26 ડિસેમ્બર કો ટર્નિંગ લાઈફ માનતે હૈ યા અપની લાઈફ મે ઓર કોઈ એસા ઇન્સિડન્ટ કો ભી આપ ટર્નિંગ લાઈફ બતાના ચાહેંગે આજ? इंसिडेंट तो लाइफ में बहुत होते हैं जिससे लाइफ टर्न होती है. कई बार आप सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में शादी नहीं करूंगा, लेकिन प्यार हो जाता है, वापस शादी हो जाती है. तो वैसे इंसिडेंट बहुत हैं, लेकिन बिग बॉस करियर वाइज 100% मेरा टर्निंग पॉइंट है. जो मतलब करियर तो चल ही रहा था, लेकिन एक सडनली VIP स्टेटस आना और सब लोकप्रिय हो जाना बहुत ज़्यादा, तो ये बिग बॉस ने दिया. इसके लिए मैं बिग बॉस वालों का बहुत आभारी हूँ. प्यार की गुजराती में बात कर सकते हैं, गुजराती समझता तो मैं 100% हूँ, बोलने में कुछ गड़बड़ थोड़ा थोड़ा कोशिश कर फुल समझता हूँ मैं. मतलब अच्छा, गुजराती मेरे दोस्त ही गुजराती में जमुना भाई नर्सिंग स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ भाई. ओके, सिर्फ गुजराती दोस्त. विंदु जी का पहला प्यार कौन सा था? पहला प्यार तो बचपन में हुआ होगा. बहुत पहले प्यार दो तीन बार स्कूल कॉलेज पहला प्यार दो तीन बार किया है. 10-15 बार होगा, 20 बार है, 25 बार पता नहीं, बहुत बार पहला प्यार हुआ है. लेकिन रियल जो प्यार होता है वो मतलब कल्मिनेट होता है शादी के अंदर. तो दो बार जो है रियल प्यार किया, एक बार फारा के साथ किया, लेकिन वो प्यार नहीं चला. और अब डीना के साथ है और प्यार चल रहा है बहुत बढ़िया. तो प्यार जो है आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है. और वैलेंटाइन डे रोज़ होना चाहिए, एक दिन वैलेंटाइन डे नहीं होता. जब प्यार होता है तो एवरी डे चलता है. वैलेंटाइन डे ठीक है कि उस दिन लड़कियों ने नवा सिस्टम निकाला है कुछ प्रेजेंट वेजेंट खींचने का. अच्छा, मतलब एक ही दिन होता है वो इंतजार करने का, बाकी तो पेश तो हम कभी भी कर सकते हैं. इंतजार भले वो एक ही दिन करे, लेकिन पेश तो हम कभी भी कर सकते हैं. नहीं, प्यार तो हमेशा ही पेश करता है ये. जब आपको प्यार हो जाए, वैलेंटाइन डे का वेस्ट करोगे तब तक गड़बड़ ना हो जाए, सीधा उसी दिन पेश कर दो, डोंट वेट. फाइन. बिग बॉस पे वापस आ जाते हैं. विंदु जी, क्या 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 बताना चाहेंगे कि जब पहली बार जब कॉल आया था, या तो जो मिलने आए होंगे आपको, कि विंदु जी वी वॉन्ट टू आपको हम लेना चाहते हैं, क्या 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 वो हादसा था, वो सिचुएशन वो घड़ी में याद कराना चाहता हूँ? मेरा अलग हादसा था. मेरा ऐसा नहीं था कि बिग बॉस वाले मेरे पास आए. मेरा क्या था कि मैं बिग बॉस फर्स्ट सीजन भी देखा था, सेकंड सीजन भी देखा था, तो मुझे बहुत पसंद था ये शो. और मैं सोच रहा अपनी बीवी के साथ देखा था सेकंड सीजन पूरा, मुझे याद है. और मैं बोला हनी, जब मैं जाऊँगा ना इसमें, मैं तो जीत के आऊँगा. तो बोलती 100% तू जीत के आएगा, वो भी मुझे बोलती थी. तो मैं सोचा था यार ये बिग बॉस जब भी मौका मिले करना है. लेकिन मैं कभी ज़्यादा किसी को बोलता नहीं, कुछ ऐसे कुछ करता नहीं. हम लोग शाहरुख के साथ, मुझे याद है, IPL मैच देखने गए थे साउथ अफ्रीका. इंडिया में हुआ नहीं था, साउथ अफ्रीका गए थे. नाश्ता खा रहा था मैं होटल में, तो नाश्ता खाना देखा तो सामने अक्षय. अरे मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है? तो बोला भाई मैं फियर फैक्टर की शूटिंग कर रहा हूँ. Okay. अरे मैं कहा फियर फैक्टर तो कलर्स पे है ना? हाँ. बोला यार उनको बोल मुझे बिग बॉस में आना है. बोले तू पागल हो गया बिंदु, तू बिग बॉस में नहीं जा सकता, तू ये होटलों में रह के ना खाने खाने वाला वहाँ मर जाएगा. मैंने नहीं, मैं जाऊँगा भाई. बोला चल फिर मेरे साथ शूटिंग पे आ जा. मैं चल, हम फियर फैक्टर की शूटिंग में चले गए. वो कलर्स वाले हार्ट अटैक आ गए, क्योंकि फियर फैक्टर की शूटिंग किसी को भी देखना अलाउड नहीं है. किसी को आइडिया नहीं आना चाहिए कितने लोग बच्चे हैं, क्या है. वो बिग बॉस जैसे लाइव है, हाँ, वो लाइव नहीं है, वो सीक्रेट होता है. तो मैं वह तो वो लोग हार्ट अटैक के, सर अक्षय जी आप बिंदु जी को क्यों ले आए? बोला भाई तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, आ जाओ चलो. उनको कुछ बोल के अंदर ले आया. बोला इधर आओ बैठो. बिंदु बोल रहा है मैं बिग बॉस में जाऊंगा, तुम्हें चाहिए? बोला सर हमें तो हमेशा चाहिए. बिंदु जी आप जाओगे? मैं कहा हाँ जाऊंगा. बोला सर आप रह नहीं पाओगे, आप तो शैंपेन कैवियर हमने देखा है, आप खाते पीते हो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. मैं कहा बॉस मुझे जाना है, तुम लोग ले रहे हो? बोला 100%. मैं कहा ठीक है डन करके हम लोग निकल गए. अब अक्षय इतना बड़ा आदमी, VIP सुपरस्टार, उसने बोला, उसकी बोलने ही बहुत बड़ी बात है. लेकिन ना उसने पूछा, ना मैंने पूछा, ना उनने पूछा. 6 महीने निकल गए. 6 महीने के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया. हेलो सर, मैं एंडमॉल से बोल रहा हूँ, वो आपने बिग बॉस में जाने की बात की थी, आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ यार सीरियस, क्या ले रहे हो? बोले 100% ले रहे सर, पक्का ना? आप जाओगे ना, आप रह पाओगे ना? मैं कहा अरे रहेंगे यार. अरे सर आप ये सब ये मर्सिडीज घूमने वाले नहीं? And वो हैपन हो चुका वहीं पे. नो आपने बताया कि आर यू सीरियस ऐसा बता दिया, क्या 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 लगता है आपको कि विंदु जी को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे अभी तक इंडस्ट्री में? नहीं, ये बात नहीं, मतलब वो लोग को लगता था कि ये उस घर में नहीं रह सकेगा. क्या है कि उस घर में रहना इतना इजी नहीं है.
मोस्टली आपने देखा होगा जो भी सीजन में लोग आ रहे हैं, जैसे पूनम जी और मेरे जैसे लोग कम आए, शमिता ऐसे लोग कम आते हैं, थोड़ा डेंजर होता है वो शो, डेंजरस है। और मतलब जैसे शमिता, तो मैं भी शॉक हो गया शमिता को देखकर, ये भी आई है, तो शमिता अगर आ सकती तो मैं भी क्यों नहीं आ सकता दैट वे। तो वो सीरियस, तो काम के प्रति तो हम बहुत सीरियस हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में जाने के लिए वो सोचते कि नहीं जा पाएगा। एक तो बियर वियर कुछ नहीं मिलेगी, कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा, जैसे गुजरात में तो वैसे ही दारू का गड़बड़ है, लेकिन बाकी बॉम्बे में अलाउड है, तो वो भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लोगों को लग रहा था हार्ड है, लेकिन मुझे मजा आया, बहुत मजा आया। अब मैं भी छोड़ दिया अल्कोहल, रियली हाँ, आई कैन स्टे इन गुजरात। सीरियसली अगेन अगेन पूछ रहा हूँ, जैसे कलर्स वालों ने पूछा वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। कसमें खा के नहीं, लेकिन मैंने जिस दिन से बियर बिग बॉस से आया हूँ, एक भी बियर नहीं पी, और मैं बियर बहुत पसंद करता था। मैं बियर जब भी बाहर गए दोपहर में एक बियर पी ली, वो सब खत्म हो गया। नाउ 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 बियर की बात करें, दोस्ती की बात करें, पुराने स्कूल की बात करें, बचपन की बात करें, एक सेकंड के लिए अगर आंख बंद करें तो बचपन का कौन सा ऐसा हादसा याद आ जाए कि ये तो जिंदगी भर यार मैं नहीं भूल पाता देवांग? बहुत है दिमाग वैसे, सिर भी एक 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 तो जब भी आंख बंद करते लड़ाइयां याद आती हैं। हाँ मैं वही पूछने वाला था, लड़ाइयां तो हमारी बहुत हुई हैं। हमारा ऐसा था कि पहले 8th स्टैंडर्ड तक मैं क्लास का सबसे पतला बच्चा था, सबसे वीक। ओके हाँ, दारा सिंह का बेटा कोई मानता नहीं था। हाँ वही, क्योंकि वही सवाल मुझे आया कि दारा सिंह का बेटा और वो पतला, अगर खुद कन्फेस करे तो ये सबसे वीक इन द क्लास 8th स्टैंडर्ड तक। तो हम लोग डैडी को जाके बोलते हैं, डैड हम लोग को बहुत दुख है कि हम आपके बच्चे पैदा हुए हैं। मतलब क्यों, मतलब कोई मानता ही नहीं है कि हम दारा सिंह के बेटे हैं। वहाँ तभी क्या होता था, टिकट में जाओ और बोलो दारा सिंह का बेटा, तो टिकट मिल जाए। वो बोलता नहीं नहीं झूठ बोलता साले। तो पुलिस 2 साल के बाद 8th खत्म हुई, मैंने कहा डैड आप बोलो चल आ जा, क्योंकि दंड बैठक उनने मेरे को मारना स्टार्ट करवाया। और स्लो स्लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 को करते 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 जब छुट्टी खत्म हुई 100 तक आ गया था मैं। और 8th स्टैंडर्ड में मुझे याद है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट डे स्कूल में गया हूँ, तो बच्चों ने देखा कि कुछ फर्क है बिंदु के अंदर, लेकिन कुछ ज्यादा बोला नहीं, थोड़ा लड़ाइयाँ और थोड़ा मेरे को बुलिंग कम हो गई। ओके, और जब तक 9th खत्म हुई मैं 250 दंड मारता था एवरीडे। ओके बात करेंगे दंड के एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्र समय थयो छे एक विराम, टाइम चेंज होता है, आई थिंक बेटी के पैदा होने से किस्मत बदलती है। मैंने जिंदगी में कभी पैसे बचाए नहीं थे, हमारा भी डाइवोर्स हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, बीवी का झंझट चाहिए नहीं, अपन अपना जीता, रात को जाओ पार्टी करो, कोई लड़की मिले पार्टी करो, गर्लफ्रेंड बना लो जो मर्जी करो, लेकिन शादी मत करो। लोकमंच सांजे 8 कलाके विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनू कार्यक्रम अतिथि में। बात कर रहे हैं आपने बिंदु जी साथ। बिंदु जी बचपन में 8th स्टैंडर्ड में, मतलब वो जो जान, मतलब जो बोलते हैं ना जान अभी बन गई 9th से। हाँ हाँ, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली आज की तारीख में बरसों से ऐसा होता है कि स्कूल्स में हर 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 टाइम बच्चे पसंद करके कि यार हमारे ग्रुप में एक इंटेलेक्चुअल बंदा हो, हमारे ग्रुप में एक टफ हो बंदा, और साला अपने इशारे पे किसी को भी ठोक डाले। बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा बिंदु जी का? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारी जो बचपन के दोस्त थे वो आज तक दोस्त हैं। जो जमुना भाई के जो मतलब एक स्कूल ही ऐसा है कि जो बचपन के दोस्त हैं वो लाइफ में वैसे भी आई थिंक हर रियल फ्रेंड्स आर मेड इन स्कूल। तो हमारे 4-5-6 दोस्त हैं जो आज तक दोस्त हैं, और सारे मोस्टली काफ़ी काफ़ी टफ हो गए थे, सब जब लड़ते थे सारे लड़ते थे। इंटेलेक्चुअल तो मुझे पता नहीं कोई था कि नहीं, लेकिन तगड़े बहुत थे। और सबके सब वेल सेटल्ड, दे डूइंग वेल, उसमें दो तो गुजराती हैं हमारे और एक मुस्लिम है, तो सब पूरे सारे पंजाबी मुस्लिम गुजराती सब, ऐसा कुछ नहीं है। विदु जी इतना मतलब बैकग्राउंड मिल गया था आपको, पापा मतलब इंडस्ट्री में अगर नाम दिया जाए टॉप 3 अगर मसल मैन का, ही मैन का, तो मेरे हिसाब से धर्मपा जी, दारा सिंह जी, ऐसे 2-3 नाम आते थे। लेकिन कहीं कमी लगती है आपको कि बात करते हैं कि यार फिजिक्स है लेकिन बंदे में यार एक्टिंग नहीं है कुछ, करण मिल गई, करण कैसे मिली थी? नहीं करण हमने खुद हमारी खुद की भी। हाँ मतलब उसमें कहीं लगा कि ये कमी है अभी भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने एक्टिंग तो हमारी बहुत डेडली है। ये है कि मतलब बड़ी पिक्चर और राइट रोल ये ऐसा मिलना इतना इजी नहीं होता, वो लक वाला भी होता है। लक होता है, पहली जो पिक्चर मुझे लगता है जो राइट मिली और अच्छा जस्टिस था वो कमबख्श थी, उसमें बहुत हंसाया लोगों को, पब्लिक ने देखी, सबको सबने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और बिग बॉस आ गया। तो एक टाइम चेंज होता है, आई थिंक बेटी के पैदा होने से किस्मत बदलती है, ये लगता है मुझे, मेरे तो किस्मत बेटी के बाद। अमेलिया की सीधी बात करता हूँ मैं, यस अमेलिया की बात करता हूँ।
बहुत ड्रीम होता है एक टू बी अ फादर, और उसमें जब भी मालूम होता है कि लड़की, ओ माय गॉड, मेरे हिसाब से आप जैसा टफ इंसान सिर्फ लड़की के पैदा होने से ही कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला हुआ। 100% नहीं, मैंने जिंदगी में कभी पैसे बचाए नहीं थे, लाइफ में पैसे बहुत आए, हम लोग उजाड़ देते थे, सब खत्म कर देते थे, सब मजे करते थे, पर जिस दिन से बेटी पैदा हुई है सडनली समझ नहीं आया कि अरे यार बेटा पैदा होता तो मेरे को कोई टेंशन नहीं आई। फारा से मेरे पास एक बेटा है फतेह, फर्स्ट क्लास सुपर, 12 साल हो गया, 13 साल हो गया अभी 6 तारीख को, तो सुपर, कोई टेंशन नहीं आई कि यानी कोई प्रॉब्लम है। बेटी पैदा हुई सडनली लगा रहे यार अभी तो रिस्पॉन्सिबल फादर बन गया, और उस दिन से किस्मत भी चेंज हुई है और माल भी बचने लग गया है, अलग ही हो गया। कोई लगता है मुझे बेटी पैदा होना बहुत जरूरी है सबको? नाउ 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 पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, आपने जब जिक्र किया फतेह का और फरा का, क्या लगा आपको कि कहाँ कहाँ वो चूक हो गई जिसकी वजह से कहीं दरार पड़ी? मुझे लगता है कि चूक यानी आजकल क्या है, बहुत प्रॉब्लम है आजकल, शादी जो है वो एक अलग ही सिस्टम हो गया। पहले के ज़माना अलग था कि जन्म जन्म का साथ है और बहुत इजीली लोग काट लेते थे, अब क्या हो गया मैं दोनों में मैं आ गया है। हाँ, दोनों में मैं आ जाएगा तो शादियाँ जरा जल्दी टूटने लग गई हैं। अब समझना पड़ेगा, देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि शादी अब वो बंधन नहीं रहा कि जन्म जन्म का बंधन है, और अगर डाइवोर्स हो गया फैमिली में तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अब पूरा इंडिया कुछ बड़ा नहीं समझता कि ओहो बहुत लाइफ ख़त्म हो गई, तो हमारा भी डाइवोर्स हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, तो हमने, हमारे पास एक बेटा था, और बेटा तो जान होती है, एक फैमिली तो दोनों के है, वो तो मैं नहीं है, वो तो हम है, तो वो बेटा एक बॉन्ड है जो हमारी लाइफ लॉन्ग है, और वो बेटा हम दोनों का है। तो अब अमीलिया को बहुत पसंद है, वो अपना फतेह भैया करती रहती है, तो दोनों बहन भाई एक हैं, तो टचवुड ऐसा ही रहे। फराजी के बाद सीधा एक रशियन लेडी जो लाइफ में आ गई, क्या? हाँ, क्योंकि बात तो ये आती है कि औरत और मर्द दो ही रिश्ता होता है, लेकिन कहीं ना एक्सप्रेशन की बात होती है, हु हैज प्रपोज्ड, यू फर्स्ट और योर लवली वाइफ? इसमें क्या है, आई नेवर थॉट आई विल मैरी अगेन, मेरे को लगा था कि मेरी लाइफ ख़त्म, अभी फर्स्ट क्लास, बेटा पैदा हो चुका है, बीवी का झंझट चाहिए नहीं, अपन अपना जीता, रात को जाओ पार्टी करो, कोई लड़की मिले पार्टी करो, गर्लफ्रेंड बना लो जो मर्जी करो, लेकिन शादी मत करो। और ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, डिसाइडेड था ऑलरेडी, मैं काट चुका था 6-7 साल ऐसे, और फिर ये लड़की मिली है, और यू नेवर नो हाउ हाउ हाउ, मैं वही डे की बात कर रहा हूं। हमारे दोस्त है जिसकी मॉडल एजेंसी थी, तो फॉरेन मॉडल्स आते रहते थे उधर, और हम लोग रोज पार्टी पे ले जाते थे उन मॉडल्स को, तो मैं बोलता रहता था कि मुझे यार ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो ऐसा हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। तो एक दिन जो लड़की लैंड हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यार तू रोज़ बोलता ना, हमने 1-2 घंटे बात की, वैसे ही लग रही है, तू जल्दी आ। वो लैंड हुई और मैं उसको सीधा मिला मैरिट में, और मुझे लगा यार सच्ची काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा। तो 1-2 साल लग गए, 1-1.5 साल कोर्टिंग और फ्रेंडशिप, और वो गई वापस आई। मतलब 2 साल का मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब गिव एंड टेक वाला बात रहा, थॉट्स दिए कि इस लड़की से शायद मैं वापस शादी कर सकता हूँ, या वो भी मुझे बोलती थी इसका मतलब क्या है तू, यानी मैं जाती हूँ तू बोलते वापस आ जा, मैं जाती हूँ तो बोलते वापस आ जा, तो मतलब यानी किस लिए वापस बुलाया जा रहा है इंडिया। तो मैं बोला यार चल ठीक है, तो बोला कुछ कॉन्क्रीट है तो बोल, वरना फालतू में मैं अपने टाइम वेस्ट करूँ। मैं चल ठीक है कर ही देते, देख ले रहे, और किया, तो आई थिंक उससे बेटर कोई डिसीजन नहीं था, माइंड ब्लोइंग। एब्सोल्यूट इंडियंस एंड रशियंस एक हैं, उनकी थिंकिंग एक है, पेरेंट्स को प्यार करना, पेरेंट्स का केयर करना, वैसे ही वो लोग हैं, वैसे ही हमें, फैमिली साथ में रहना, तो बहुत परफेक्ट है। नाउ नो फैमिली साथ में रहकर कैसे कैसे छुट्टी मनाते हैं बिंदु जी, खुद क्या पसंद करें, क्योंकि अभी देखो आपकी पसंदीदा दारू तो छूट गई, मतलब अभी छोड़ी है, छूट गई, मतलब मतलब जो पहले जैसा धमाका होता था ऐसा नहीं, कैसे कैसे, हाउ यू हॉलीडे? तो हम लोग अलग अलग टाइप्स है, यानी मोस्टली इंडिया में भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। अब बिग बॉस के बाद मैंने सोचा था इटली और स्पेन हम लोग जाएंगे, हमने पहले ही बात कर ली थी, जब बिग बॉस जाने से पहले मैं कहा देख मैं तो दूर रहूँगा तुम लोग से 2-3 महीने, वापस आके अपन यहाँ जाएंगे यूरोप स्कीइंग, और बाहर आके मैं बिजी हो गया हूँ, चक धूम धूम स्टार्ट हो गया हमारा शो, और बाकी बहुत काम चल रहा है, अब ये टाइम ठीक नहीं है, तो वो बेचारे दोनों अकेले फिर से जाके आए 2 हफ्ते के लिए। तो इंडिया के अंदर हमें महाबलेश्वर बहुत पसंद है, पावना बहुत पसंद है, दमन बहुत पसंद है, अलग अलग जगह पसंद है, तो हम हॉलीडे बहुत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं 2 दिन के लिए वीकेंड होम पे चले गए, हमारा फार्म है करजत में, वहाँ चले गए। विंदु जी एक पर्सनल बात,
कोई कन्फेशन करना चाहोगे जो लगता है कि ये दुखता है, आज तक बोला नहीं है, और बोला है तो सिर्फ एक या दो लोगों को बोला है, ऐसा कोई कन्फेशन कि यार ये गलती हो गई थी बॉस और शायद मैं अभी तक भुगत रहा हूँ? ऐसी कोई मेरे से खुद से तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ मैं ज़्यादा मैं पास्ट में रहता ही नहीं, पास्ट को मैं भूल जाता हूँ। लिव इन प्रेजेंट। हाँ, लिव इन द प्रेजेंट, यस्टरडे इज गॉन। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं कभी भी, जो जो बीत गया वो बीत गया, राइट हुआ रॉन्ग हुआ डजंट मैटर। तो ऐसी कोई ऐसे पॉइंट के ये मुझे रोक, ऑफकोर्स सैड होता है कि मतलब एक रिश्ता जो आपने शादी का रिश्ता आपसे नहीं निभाए, निभ नहीं पाया, टूट गया, तो वो सैडनेस है, लेकिन उसमें मैं कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा ओह क्यों हुआ, क्यों ठीक नहीं कर सका, कभी नहीं सोचता मैं। सैड ये है कि हमारे को मुझे लगता है कि कैंसर का कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, जो जैसे मेरी सिस्टर को भी हो गया, मम को भी हो गया ब्रेस्ट कैंसर, वो एक सैडनेस हमारी फैमिली में आई है कि ये क्यों हुआ, दोनों ठीक हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने डॉक्टर और इतना प्रोग्रेस हो रहा है, साइंस हो रहा है, तो लानत है उनके ऊपर जो मतलब कैंसर का अभी तक कुछ इलाज नहीं निकाल पा रहे कुछ। मेडिकल साइंस से सीधे पर हिंदुस्तान की बात, अगर आपने चिंता जताई तो मैं पूछना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, स्पेशल कॉमेंट क्या है हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में? पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कमेंट करेंगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा हमारा देश चल कैसे रहा है। ये मेरे को लगता है इंडियन लोग हैं जो हार्डवर्किंग हैं, जिनकी वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ दे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। मेरे को लगता है कि सबसे बुरी चीज़ जो है वो अडल्ट्रेशन है, अगर अडल्ट्रेशन को आप नहीं रोक पा रहे एक कंट्री के अंदर, तो लानत है आपके पॉलिटिक्स के ऊपर। बच्चे दूध पी रहे हैं जो दूध नहीं है, कोई और चीज़ों से बन रहा है, तो आई थिंक दैट्स वेरी शेमफुल। अगेन यहाँ रुकूंगा, दर्शन में तो समय थे वो शेख नानकड़ा वीरा। अभी आप गुजरात देख लो, गुजरात में मोदी साहब हैं, वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, रोड्स में देखा है कुछ अलग ही हैं, पानी मुझे याद है गुजरात में पहले होता नहीं था, पानी पानी हो गया है। मैं कभी ना किसी को लड़ाता हूँ ना लड़ता हूँ, चेकवा और चिलवा गए ऊपर हिलवा, पनवा लेने वास्ते पनवा लेने वास्ते, चेकवा गिर गवा खुपड़िया फटकावा, चकवा गिर गवा खपड़िया फटका, जिलवा आए लुढ़क लुढ़कते सारे रास्ते। लोकमंच सांजे 8 कलाके। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि में, बात करें आपने बिंदु जी साथ। बिंदु जी, आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो अभी भी मतलब वेट करें कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन आए, कोई अच्छा ऐसा कोई मतलब रूल करने वाला हो जो कि कहीं प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए इतने समृद्ध देश को। आते हैं अभी आप गुजरात देख लो, गुजरात में मोदी साहब हैं, वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, रोड्स में देखा है कुछ अलग ही हैं, पानी मुझे याद है गुजरात में पहले होता नहीं था, पानी पानी हो गया है, तो काम कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हर चीज़ नहीं कर सकता, एक आदमी नहीं कर सकता, एक पॉलिटिशियन आके सिस्टम शुड बी, सिस्टम ही नहीं मतलब उसमें रिवॉल्यूशन, सिर्फ सिस्टम ही नहीं हमें खुद भी करना पड़ेगा। जो आदमी सोचता है कि मैं एक दूध को अडल्टर करके बेच दूं, उसे ये भी रियलाइज होना चाहिए कि उसका बहन, उसकी बहन का बच्चा, उसका बेटा, वो भी दूध पी सकता है, वो भी बीमार पड़ सकता है। तो जब तक वो नहीं आएगा कि पैसा फास्ट कमा के कुछ चीटिंग से पैसा कमाना है, तो अलग टाइप की चीटिंग कर लो भाई, बच्चे वो दूध पी रहे हैं और तुम उसको भी मिक्स कर रहे हो, कोई भी, मेरे को लगता है कोई भी चीज़ प्योर नहीं है इंडिया के अंदर। आई थिंक उसकी वजह से कैंसर इतना बढ़ रहा है या किसकी वजह से सब बढ़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, और अडल्ट्रेशन रेप से भी ऊपर होना चाहिए उसकी सज़ा। क्या हाँ विंदु जी, बिग बॉस में जाने से पहले प्लान तो किया होगा कि शायद यार जीतना तो है कैसे भी करके, कोई भी जुगाड़ करना है वहाँ जाके ऊपर नीचे, अभी तक मैं ये जुगाड़ करने में सक्सेस रहा हूँ तो बिग बॉस को तो मैं कुछ भी करके बॉस में लेके आऊँगा, क्या क्या सही में दिल से बताओ क्या पैंतरे किए थे? नहीं, मैं आपको बता रहा सच, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा अंदर, सबसे प्यार से रहूँगा, मज़े करूँगा, और जीता या हारा वो तो पता नहीं, पर एंड तक मैं रहूँगा, ये मैं सोच के एंटर किया था उस घर के अंदर। मुझे लगता नहीं था मेरा नॉमिनेशन आएगा, मैं किसी से लड़ूंगा, मैं लड़ाका टाइप का आदमी हूँ ही नहीं, एकदम प्यार से सबसे खेलते खेलते लड़ाका टाइप का आदमी नहीं हूँ। खुद सर्टिफाइड करेंगे आप? नहीं, मैं तो सब बोलते थे कि तो गलत है ना जी, आप लड़काते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुद ही सर्टिफाइड कर देते हो कि मैं लड़ाता, मैं कभी ना किसी को लड़ाता हूँ ना लड़ता हूँ, ऐसे टाइप का आदमी एकदम पीस आपको, यानी बाहर आपको कभी जिंदगी में एक आदमी नहीं मिल सकता जो मेरे बारे में बुरा बोले कि विंदु बुरा आदमी, लाइफ में आपको कभी नहीं मिलेगा कोई भी। तो उस घर के अंदर जाके भी आप देख लो, वो जो बाहर
आते थे बोलते बिंदु अच्छा आदमी है, एंड में मेरे को ये सब ग्रीन मिल गए थे, बेस्ट आदमी, बेस्ट दिल, बेस्ट ये, बेस्ट वो, बहुत मिल गए थे। तो वो घर वाले भी एंड में मानना ही पड़ेंगे, उनको भी मानना पड़ेगा, जब देश बोल रहा है कि देश का आदेश आ रहा है कि हर बार बच रहा है। तो मैं लड़ाका टाइप से नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि वो कोई पैंतरा पैंतरा कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं कुछ सोचता ही नहीं और मजे करने गया था, लेकिन बिग बॉस मेरे पीछे पड़ गया स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में पीछे पड़ गया वो मुझे बहुत हर्ट हुआ, और उसकी वजह से मेरा मेंटल बैलेंस खराब हुआ है फर्स्ट 2-3 वीक्स। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट होती है उधर, डॉक्टर नेहा, उनने अलग कर रहे हो, प्लीज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीबडी एल्स, थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकम लिटिल सेल्फिश, एंड देन मेरी गेम बेटर हुई और एंड तक आई। तो इट्स ट्रू, जैसा मैं हूँ वैसा ही मैंने बिग बॉस में दिखाया, उसी लिए मुझे इतना प्यार मिल रहा है और वैसा ही मैं रहूँगा। क्या 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 कहना चाहेंगे, मतलब जो आपने बताया कि शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं कोई, ऐसे यूथ के बारे, ऐसे यूथ को क्या कहना क्या चाहेंगे आप, कोई मैसेज? क्योंकि कभी आपको भी मतलब दिल से तो ऐसा हुआ होगा कि यार चलो यार कुछ कर डालते। कोई भी आदमी को, मैं सब यूथ को ये कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट कोई नहीं होता जिंदगी में, देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। आप आराम से पैसे कमाते जाओगे, उसे आप अगर आप 10% भी उसका बचा लोगे तो आप करोड़पति बनोगे एंड तक। शॉर्टकट कभी कभी लक में किसी के हो जाता है कि बहुत फास्ट किसी को पैसा मिल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर सोचो कि मुझे जल्दी है पैसे कमाने की, तो आपका दिमाग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, इलीगल तरीकों के में जाएगा और रॉन्ग काम करेगा। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। पैसा जितना भी आपके, 100 रुपये भी आप कमा रहे हो, 10 रुपये बचा लो, तो आपको लाइफ में कभी कोई चीज़ की शॉर्टेज नहीं आएगी। बिंदु जी, हर एक बंदा चाहे माने ना माने, अपने आप को रैशनलिस्ट बताए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक बात होती है जिसमें बहुत ही विश्वास करता, मैं अंधविश्वास नहीं कहूँगा, बहुत ही विश्वास करता रहता है। कोई बंदा अपनी जेब में रेड कलर का कपड़ा हरदम रखता होता है, कोई ऐसा कोई शायद ग्रह पहनेगा, नंग पहनेगा, क्या बिंदु जी का खुद का क्या ऐसा कोई? मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं गुरुद्वारे, हमारे माँ बाप ने हमें उठा के बचपन में कभी नहीं लेके गए, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है वैसे वैसे मैंने यानी देखा है कि है भगवान है और भगवान के कई नाम हैं। तो मेरा एक बहुत अलग ही फंडा है जिसमें जब मैं, मेरी प्रेयर है उसमें बहुत भगवानों के नाम आते हैं अलग अलग, जैसे यानी कभी कुछ मांगा कि राम जी ऐसा कर दो तो वो हो गया, कभी कोई दरगाह पे गए कोई ऐसा कर दो वो हो गया, कभी कोई चर्च पे गए हो गया। तो सारे गॉड मेरे प्रेयर के अंदर फिट हो गए हैं, सब रिलीजन के। तो एक फनी सा मेरा प्रेयर है, तो वो एक है मेरे अंदर के, वो मैं रोज़ सुबह एक बार बोलता हूँ, 10-12 नाम है, तो वो उसके साथ मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, हमारी कंट्री कंफ्यूजिंग है कि कौन सा भगवान राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो सारे फिट हो गए हैं। फाइन, आपने बताया कि आपने फनी सी आपकी एक प्रेयर है, और बिंदु जी जो जाने जाते थे बिग बॉस में, जितने लोग थे शायद बिंदु जी का चेहरे के साथ साथ जैक एंड जिल वाली जो आपकी बात थी, मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स वो चाहेंगे कि आज का शो शायद उसके बिना अधूरा रहेगा। लास्ट में, अंत में आपका वो सुनना चाहिए। तो सारे गुजरात के लोगों के लिए जैकवार जिलवा, आई थिंक मुझे गुजराती नहीं, वो अंदाज वही गुजराती में करनी चाहिए थी, लेकिन राजू भैया ने मुझे भोजपुरी में सिखाई है। तो जैकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा, पनवा लेने वास्ते, पनवा लेने वास्ते, जैकवा गिरगवा खुपड़िया फटकावा, जैकवा गिरगवा खुपड़िया फटकावा, जिलवा आई लुड़ा।